गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ रविंद्र सर फ्रॉम एमटेक पब्लिक स्कूल। टुडे आई शैल टीच ज्योग्राफी ऑफ क्लास 7। प्रीवियस टॉपिक था आप लोग का प्लेट मोमेंट एंड आर्ट ट्रैक। अब दूसरे टॉपिक है वोल्केनो। वोल्केनो किसे कहते हैं, ठीक है, पहले ये जान लेंगे, उसका टाइप्स ऑफ वोल्केनो के बारे में जानेंगे। तो ज्वालामुखी नाम की उत्पत्ति रोमन आग के देवता वोल्केन के नाम पर हुआ था, इसलिए उनका नाम, इसलिए वो वोल्केनो कहा जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की परत में एक मुख्य उद्घाटन होता है जिसके माध्यम से मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बाहर आती है। पृथ्वी के सतह तक पहुंचने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है, ठीक है, उसे लावा कहा जाता है। और जिस मार्ग से वो आता है उसे वेंट कहते हैं, जिस मार्ग से आता है उसे हम लोग वेंट कहते हैं। समय के दौरान ज्वालामुखी से निकलने वाले राख और अंगार जैसे लावा और अन्य सामग्री जैसे अश्क होता है, राख होता है, ज्वालामुखी उसके अंदर से निकलने वाले अंगार होते हैं, ये मुख के पास आकर जम जाते हैं। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ये यहां पे आकर वो जम जाते हैं, ठीक है। और एक शंकुनुमा पहाड़ी या पहाड़ का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे ये आपका शंकुनुमा है, ये पहाड़ या पहाड़ी के रूप में धारण कर लेते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर कप के आकार का अवसाद होता है, ये यहीं से बाहर निकलता है लावा, ठीक है, अस्क भी निकलता है, राख जिसको बोलते हैं, जिसे हम क्रेटर कहते हैं, ये जो भाग होता है इसको हम लोग क्रेटर कहते हैं, ठीक। पूरी पृथ्वी 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। हमारा जो पृथ्वी है वो 17 टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, वो अलग अलग प्लेटों से बनी हुई है, इसी कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है, ठीक है। वास्तव में ज्वालामुखी की उद्भव वही होता है जहां पे दो प्लेटों या दो एक दूसरे से विपरीत या दूसरी की तरफ सरकती रहती है, वहीं पे ज्वालामुखी का उत्पत्ति होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, सेकंड है डोरमेंट, थर्ड है एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो आपका सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, जो अभी की डेट में सक्रिय है, यानी वो कभी फट सकता है। डोरमेंट निष्क्रिय, वो अब ज्वालामुखी फटेगा ही नहीं, वो निष्क्रिय हो गया। थर्ड है विलुप्त, यानी वो इस धरती से विलुप्त हो गया, ठीक है। तो एक्टिव वोल्केनो के बारे में जानेंगे कि एक्टिव वोल्केनो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विस्फोट की अभिवृत्ति के आधार पर ज्वालामुखी को तीन प्रकारों में बांटते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी एक है जिसमें निरंतर ज्वालामुखी गतिविधि होती रहती है, यानी वो हमेशा अंदर से कुछ न कुछ बाहर निकालती रहती है, जैसे डस्ट हुआ, अस्क हुआ, ठीक है, स्मॉग धुआं जो होता है वो हमेशा निकलते रहता है, जिससे वो सक्रिय रहता है, ठीक है।
और विस्फोट कभी भी हो सकता है। ये जो है एक्टिव वोल्केनो, ये कभी भी विस्फोट हो सकता है, इसका कोई डिफिनेट टाइम नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हवाई मोना लोवा और किलोवा और इटली में स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में मात्र एक है वोल्केनो, बैरन द्वीप पर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। मात्र इंडिया में एक ही वोल्केनो है जो सक्रिय है, एक्टिव वोल्केनो है, वो है बैरन द्वीप पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, सेकेंड है डोरमेंट वोल्केनो, निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी वह है जो लंबे समय से नहीं फटा है। डोरमेंट वोल्केनो लंबे समय से नहीं फटा है, इसका मतलब कहने का है कि इसके अंदर से कोई लावा, कोई पिघला हुआ मैग्मा या अस्क ये सब बाहर नहीं निकला, और ना ही कभी स्मोक निकलने का कोई मतलब इंडिकेट किया, वो निष्क्रिय हो गया हुआ। ठीक है, उदाहरण के लिए जापान में माउंट फूजी है, इसका जो एक उदाहरण है जो निष्क्रिय हो गया है, वो जापान में माउंट फूजी है और इटली में माउंट वेसुवियस है। इटली में माउंट वेसुवियस है और जापान में माउंट फूजी है, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, विलुप्त ज्वालामुखी से ही पता चल रहा है कि ये इस धरती से विलुप्त हो गया है, यानी ये इसका अस्तित्व अब खत्म हो गया है। विलुप्त ज्वालामुखी वह है जिसमें भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसे कहते हैं जो भविष्य में विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं हो। उदाहरण के लिए माउंट किलिमांजारो और माउंट केनिया है, जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो के एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने एक्टिव वोल्केनो देखे, डोरमेंट वोल्केनो और एक्टिंग वोल्केनो। इसके बाद कुछ और आप लोगों को बता रहे हैं कि दुनिया में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक गोलाकार बेल्ट में पाया जाता है। ठीक है, दुनिया के अधिकांश सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो प्रशांत महासागर के चारों ओर एक गोलाकार बेल्ट में स्थित होता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में इसे जाना जाता है। कुछ ज्वालामुखी भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में भी पाया जाता है। जिन्हें मध्य विश्व पर्वत बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ यही टॉपिक था, वोल्केनो किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव डोरमेंट और एक्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। सो ऑल स्टूडेंट थैंक यू, हैव अ नाइस डे।